नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विथ AK में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चेक सिंगल फेस मोटर विथ मल्टीमीटर। आज हम लोग मल्टीमीटर की मदद से सिंगल फेस मोटर को चेक करना सीखेंगे कि सिंगल फेस मोटर मल्टीमीटर से कैसे चेक की जाती है। ये हमारे पास जो मोटर है वो एक पंखे की है, इसको हम लोग चेक करते हैं मल्टीमीटर से कि ये काम करने लायक है या नहीं, चलने लायक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारी जो मोटर है इसमें से हमारे चार तार निकल कर आ रहे हैं। तो इसमें से जो हमारे फोर वायर होते हैं उसमें देख रहे होंगे आप कि दो सेम कलर के हैं और दो दूसरे जो हैं वो भी सेम कलर के हैं, अलग अलग कलर के हैं। तो ये दो जो हमारे हैं वो एक ही कॉइल के हैं, येलो वाले, और जो दो ब्लू हैं वो हमारे एक कॉइल के हैं। तो हम जानते हैं कि जो सिंगल फेस मोटर होती है उसमें दो कॉइलें होती हैं, एक तो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। तो ये उन्हीं दोनों वाइंडिंगों के वायर हैं। अब हम लोग मल्टीमीटर की सहायता से चेक करके देखेंगे कि कौन सा हमारा वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग का है और कौन से दो वायर हमारे रनिंग वाइंडिंग के हैं। तो वो हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अब इसको टेस्ट करने के लिए मोटर का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी विधि द्वारा इस मोटर को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी विधि है वो है नंबर एक, हम तीन टाइप से सिंगल फेस मोटर को चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। तो जो हमारा पहला है वो है हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट विधि द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि ये मोटर शॉर्ट तो नहीं है, आपस में इनकी जो वाइंडिंग हैं वो आपस में शॉर्ट तो नहीं है, तो वो हम लोग इससे चेक करते हैं। दूसरा जो होता है हमारा टेस्ट वो होता है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारी ये कॉइल है वो ओपन तो नहीं है, जो एक कॉइल, जैसे एक कॉइल है उसके दो वायर हैं ये येलो वाले, तो ये आपस में ओपन तो नहीं है, बीच में ये जो ब्लू वाले दो वायर हैं ये आपस में ओपन तो नहीं है। तो ये हम ओपन सर्किट के द्वारा चेक करते हैं कि कॉइल हमारी ओपन तो नहीं है, बीच में कोई वायर टूटा तो नहीं है। और तीसरा जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है ग्राउंडिंग टेस्ट। ग्राउंडिंग टेस्ट में हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा कॉइल है वो बॉडी के साथ टच तो नहीं हो रहा या बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है। तो ये तो हमारे तीन तरह के टेस्ट हैं। अब सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये जो हमारे चारों वायर निकले हुए हैं, इनको चेक कर लेते हैं कि हमारा इसमें से कौन सा दो वायर रनिंग वाइंडिंग का है और कौन सा दो वायर हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा मल्टीमीटर रेजिस्टेंस पे सेट है, और ये मल्टीमीटर की हमारे पास दो प्रोब हैं। इन प्रोबों को जो सेम कलर हैं उन पर हम लगाकर देखते हैं कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। जैसे हमारे दोनों ये येलो वाले वायर हैं तो इन दोनों पर हम लगाकर प्रोब को चेक करते हैं। तो हम देखेंगे कि मल्टीमीटर में 98.6 रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये तो हमारा 98.6 येलो कलर के वायरों के लिए आ गया। अब हम इसी तरीके से जो ब्लू कलर के दो वायर हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। तो इनको चेक करते हैं तो देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो मल्टीमीटर पर आ रहा है वो 46.7 आ रहा है, 46.5 इस तरीके से, यानी कि ब्लू कलर वाले वायरों का रेजिस्टेंस कम है। तो ये तो हो गए हमारे रनिंग वाइंडिंग के वायर, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है वो रनिंग वाइंडिंग के वायर हो जाते हैं या वायर रहते हैं। रनिंग वाइंडिंग के वायरों का रेजिस्टेंस कम रहता है क्योंकि इनकी जो वाइंडिंग की जाती है वो मोटे तारों से की जाती है, और जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसकी जो वाइंडिंग की जाती है वो पतले तार से की जाती है। पतले तार से करने पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होता है, इस वजह से रेजिस्टेंस हमारा इसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया कि कौन सा हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग है और कौन सा हमारा यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके टेस्ट करते हैं। जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है मोटर को चेक करने के लिए, वो सबसे पहले करते हैं, इनको ओपन कर लेते हैं वायरों को, और मल्टीमीटर की प्रोब
एक एक करके सभी कॉइलों पे लगाते हैं, तो जो सेम कलर है उसमें तो ये कंटिन्यूटी हमारा बताना चाहिए, यहाँ बता रहा है, यानी कि ये तो ठीक है, लेकिन ये दूसरे के साथ में नहीं बताना चाहिए अभी ओपन स्थिति में। तो यहाँ पर हम दूसरे ब्लू कलर के वायर पे लगा के प्रोब को चेक करते हैं, तो ये हमारा ओपन दिखा रहा है, यानी कि ये सही है। और दूसरे वायर पे भी ब्लू कलर वाले पे हम लगा के देख लेते हैं, इसके साथ भी ये ओपन बता रहा है, मतलब इस तरीके से ये सही है। फिर हम जो येलो कलर वाला दूसरा वायर है उसके साथ भी लगा कर ब्लू वाले के साथ में देख लेते हैं, इसके साथ भी ये ओपन बता रहा है। इसी तरीके से जो अगला ब्लू कलर वाला वायर है उसके साथ भी लगा कर देख लेते हैं, तो इसके साथ भी ओपन बता रहा है, यानी कि ये हमारा जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उस शॉर्ट सर्किट टेस्ट में तो ये मोटर ओके है। अब दूसरा जो हमारा है ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग जो सेम वायर हैं उनको आपस में कंटिन्यूटी देखते हैं कि ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर ये कंटिन्यूटी बता रहा है तो इसका मतलब कि ये सही है, इसकी कॉइल सही है। इसी तरीके से जो ब्लू कलर वाले वायर हैं उनकी भी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, तो ये भी कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि ये भी हमारी कॉइल दोनों सही है। तो इस तरीके से ओपन सर्किट टेस्ट में भी ये मोटर पास हो जाती है। उसके बाद हमारा अगला टेस्ट है वो है ग्राउंडिंग टेस्ट। ग्राउंडिंग टेस्ट में हम किसी भी एक वायर पे एक प्रोब को रखते हैं और दूसरा हमारा मोटर के किसी पार्ट पे जहाँ पे पेंट नहीं लगा हुआ होता है वहाँ पे रखते हैं, उसके साथ में ये ओपन बताना चाहिए, बॉडी के साथ में ये कॉइल शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। एक एक करके सभी के साथ में हम रख के चेक कर लेते हैं, इसके साथ में ओपन बताना चाहिए, चारों वायरों के साथ में हम लोग चेक कर लेते हैं बॉडी के साथ में लगा के, तो ये हमारा ओपन बताना चाहिए। देख रहे होंगे आप मल्टीमीटर में कि ये ओपन ही बता रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्राउंड टेस्ट है ग्राउंडिंग टेस्ट उसमें भी ये मोटर पास है। अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं कि सिंगल फेस में इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक आपको चित्र भी दिखा रखा है, अगर चित्र में आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो, यहाँ पर मैंने ये रनिंग वाइंडिंग दिखा रखी है, ये हमारा बीच में रोटर है और ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ही यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, और फिर उसके बाद ये हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक रनिंग वाइंडिंग का वायर और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर यहाँ पर आपस में शॉर्ट किया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे एक हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और एक हमारी जो रनिंग वाइंडिंग का वायर है वो दोनों लेके आपस में चित्र के हिसाब से शॉर्ट कर रखा है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं। ये हमने आपस में यहाँ पर शॉर्ट कर लिया, ये चित्र के हिसाब से जो यहाँ पर हमने शॉर्ट कर रखा है। इसी तरीके से अब हमारे पास दो वायर बच गए, एक हमारा बच गया स्टार्टिंग वाइंडिंग का और एक हमारा बच गया रनिंग वाइंडिंग का, तो ये दोनों वायर बच गए। अब इन दोनों के बीच में हम कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर लगाएंगे इन दोनों वायरों के बीच में, तो ये हमने यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट कर लिया बचे हुए दोनों वायरों, कैपेसिटर ये हमारा कनेक्ट हो गया आप देख रहे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने ये आपस में शॉर्ट किया एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर, यहाँ पर हम देते हैं न्यूट्रल, ये जो डायग्राम में दिख रहा है इसके हिसाब से, यहाँ पर हम फेस भी दे सकते हैं लेकिन न्यूट्रल देना अच्छा होता है, इसलिए हम यहाँ पर न्यूट्रल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे और जो दो हमारे ये वायर हैं इनमें से जो हमारा वायर है ये स्टार्टिंग वाले वायर के पास, ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला जो वायर है इसको तो हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, फ्री छोड़ देंगे, और जो हमारा रनिंग वाइंडिंग का जो वायर है जो जिसके साथ में ये कैपेसिटर भी कनेक्ट है, हम यहाँ पर फेस कनेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये वायर हम लोग फ्री छोड़ देते हैं और जहाँ पर हमारा ये रनिंग वाइंडिंग का वायर कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर हम फेस कनेक्ट करेंगे, यानी कि जहाँ पर हमने रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को शॉर्ट किया था वहाँ पर न्यूट्रल जुड़ेगा, और जहाँ पर
ये हमारा रनिंग वाइंडिंग का वायर कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पर हम फेस जोड़ेंगे और इस वायर को हम लोग फ्री छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कनेक्शन हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऐसा कनेक्शन करते हैं तो हमारी मोटर उल्टा चलने लगती है, तो उसको अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो हमारा रनिंग वाइंडिंग के जो दो वायर हैं ब्लू वाले, इनको हम आपस में चेंज कर लेंगे। यहाँ से खोलने के बाद आपस में इसको चेंज कर लेंगे अगर हमारा डायरेक्शन उल्टा है तो, फिर ये हमारी मोटर दूसरे डायरेक्शन में चलने लगेगी। और यहाँ पर वैसे के वैसे ही कनेक्शन रहने देंगे, न्यूट्रल जोड़ लेंगे और यहाँ पर फेस दे देंगे ब्लू वाले वायर पे जहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी मोटर का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।